कंगना रनौत ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट पर किया रिएक्ट। कंगना रनौत ने कहा कि रिया इज अ स्केपगोट एंड नाउ शी शुड रिवील द नेम्स ऑफ ऑल मास्टरमाइंड्स बिहाइंड सुशांत सिंह राजपूत्स एपिक फॉल। यही नहीं, कंगना रनौत ने रिया को बुलाया स्मॉल टाइम गोल्ड डिगर। आपको बता दें, रिया को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है और मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने रिया को पेश किया जा रहा है। रिया के अरेस्ट पर एक वेबसाइट से बात करते हुए कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा, आई ऑलवेज सेड रिया इज जस्ट अ स्केपगोट, शी मे बी अ स्मॉल टाइम गोल्ड डिगर बट नाउ शी शुड रिवील द नेम्स ऑफ मास्टरमाइंड्स बिहाइंड सुशांत्स एपिक फॉल, हु फिनिश्ड हिज करियर, हु स्नैच्ड हिज फिल्म्स, हु रुइंड हिज रेप्यूटेशन एंड टू टॉप इट ऑल हु गेव हिम, शी शुड एक्सपोज एवरीवन नाउ और एल्स इट विल बी टू लेट। वेल, कंगना रनौत का साफ कहना है कि रिया को अपने अरेस्ट के बाद इस केस में उन सभी के नामों को लाना चाहिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से सब कुछ छीन लिया। वहीं इन अनदर डेवलपमेंट, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत के बैंड सब्सटेंस लिंक की जाँच मुंबई पुलिस करेगी। और इस पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कंगना रनौत ने रिएक्ट करते हुए कहा है, आई एम मोर देन हैप्पी टू ओब्लाइज at Mumbai Police, at Anil Deshmukh NCP, please do my tests, investigate my call records. If you find any links to peddlers ever, I will accept my mistake and leave Mumbai forever. Looking forward to meet you. Aapko bata dein, on Tuesday, Anil Deshmukh told the media that the Mumbai Police will look into Adhayan Suman's claim that Kangana Ranaut consumes banned substance. In an interview, he said that Suman claimed that Ranaut not only takes banned substance but also forced him to do the same once. The Mumbai police will look into details of this, said the minister. Kangana Ranaut jo hai uske talukat ya samband jo bhi hai Shekhar Suman ka jo ladka hai Adhyayan Suman inki dosti thi usme usne bataya ki Kangana Ranaut ye leti hai और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। यही नहीं, एक पॉलिटिशियन ने यह भी कहा है कि अगर अध्ययन सुमन के कंगना रनौत के खिलाफ लगाए गए एलिगेशन गलत साबित होते हैं तो अध्ययन सुमन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्ययन सुमन की जो आरोप है उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि समाज में बहुत ही अच्छी प्रतिमा ये हमारे आदरणीय कंगना रनौत जी की है, उनकी प्रतिमा के ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए। सुमन, अध्ययन सुमन अगर गलत बोलता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर वो गलत बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो सच बोलता है तो कंगना जी ने कहाँ से के उसको दिया, और कौन से पैसे से वो लाती थी, और अगर लाती थी तो कहाँ से लेके आती थी, कौन उसका जिम्मेदार है, कहाँ रखती थी, शायद पाली हिल के बंगले में या पाली हिल के घर में वो रखती थी क्या, ये सभी की जांच होनी चाहिए और लोगों के सामने सच का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि वो समाज में बहुत बहुत अच्छे फिल्में उन्होंने की है। वेल, कंगना रनौत के खिलाफ एक साथ कई मामलों में कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पहले बीएमसी का कंगना रनौत के ऑफिस को लेकर नोटिस और अब बैन सब्सटेंस एंगल की जांच से साफ है कि कंगना रनौत के खिलाफ कई केसेस बनने की तैयारी चल रही है। लेकिन कंगना रनौत के बयान से साफ है, शी इज रेडी टू टेक दीज एलिगेशन हेड ऑन।